गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ सुजाता। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अमेजोन ज्वेलरी हॉल वीडियो। और ये जो ज्वेलरियाँ मैंने बाय करी हैं दोस्तों, मतलब मोस्टली इसमें जवेरी पर्ल्स की ज्वेलरी है। जैसे आपको पता ही है, सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, इसके बाद आपका लग जाता है, अब आएंगे आगे करवा चौथ, उससे पहले जन्माष्टमी, नवरात्रे, कई तरीके के त्यौहार। और इसमें मैंने मोस्टली बाय करे हैं दोस्तों एयरिंग्स, क्योंकि एयरिंग्स ऐसी चीज़ होती है ना कि जिसे आप साड़ी के साथ भी वेयर कर सकते हो, सूट के साथ भी वेयर कर सकते हो। मोस्टली सूट के साथ हम नेकलेस पीस वेयर नहीं कर पाते, तो इसलिए मैंने मतलब इस बार ऐसी चीज़ें बाय करने की कोशिश करी है कि आप दोनों के साथ वेयर आप कर सकते हो। तो फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। इससे पहले भी मैंने एक अमेजोन हॉल करा था, ज्वेलरी हॉल, बहुत अच्छा कलेक्शन था दोस्तों। अगर आपने वो नहीं देखा है अभी तक, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप उसे जाके भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं। और ये जो ज्वेलरियाँ मैंने बाय करी हैं, इनकी जो पिक्चर्स हैं, प्राइस हैं, वो मैं स्क्रीन में लगा लूँगी, तो आप वहाँ पर से जाकर देख सकते हैं। तो जो सबसे पहली ज्वेलरी है, ये इयररिंग्स हैं, वो मैंने बाय करे हैं इस तरीके के। ये मुझे 2 का पेयर मिला था इस तरीके का, ये दोनों एक साथ मुझे रिसीव हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस वाले की। तो इसमें इस तरीके का टॉप्स लगा हुआ जिसमें कुंदन का वर्क हो रखा और पूरा गोल्ड प्लेटेड ये है, और नीचे से आपको मोती वाला वर्क मिलेगा, और काफ़ी बड़ी इसकी डोली है। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, आप इसे सूट्स एंड साड़ी दोनों के साथ आप इसे वेयर कर सकते हो, बहुत ही सुंदर है दोस्तों ये। और उसी के साथ ये जो दूसरा वाला पेयर है, ये भी बहुत अच्छा है। ये जैसे आप साउथ इंडियन साड़ी वगैरह पहनते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा लगेगा। काफ़ी लाइट, ये वाला काफ़ी लाइट वेटेड है, अकॉर्डिंग टू दिस ये काफ़ी हैवी है, ये काफ़ी लाइट वेटेड है। इसमें नीचे पत्तियां मिली हुई आपको मिलेंगी, बहुत अच्छा है। दोनों का कॉम्बिनेशन मुझे काफ़ी पसंद आया, एक सूट एंड साड़ी दोनों के साथ आप इसको वेयर कर सकते हो। उसके बाद मैंने ये वाले टॉप्स बाय करे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं दोस्तों। काफ़ी बड़ा साइज है इस टॉप्स का, आप देख सकते हैं बीच पे पिंक स्टोन्स है, फिर कुंदन है, फिर लास्ट में किनारे में आपको मोती मिलेगा, बहुत ही सुंदर। मतलब किसी का बड़ा सा फेस हो ना, तो बहुत अच्छे लगने वाले हैं ये वाले टॉप्स। आप इस वाले टॉप्स को डेफिनेटली बाय करें, और इनका जो प्राइस है बहुत रीजनेबल प्राइस है। इसमें काफ़ी सारे आपको डिज़ाइन एंड वेराइटी मिल जाएगी, तो जितने भी ये है ना, इनमें आपको कलर ऑप्शन, वैरायटीज वगैरह काफ़ी सारी मिल जाएगी, तो एक बार आप जरूर देख लीजिएगा इसे। उसके बाद मैंने ये बाय करा है, ये पिंक कलर का ऊपर से सूरजमुखी व सनफ्लावर वाला डिज़ाइन है, बीच में आपको एक स्टोन मिल जाएगा, और नीचे आपको डार्क पिंक और लाइट पिंक का कॉम्बिनेशन मिलेगा, और इसके नीचे आपको ये डोली और मोती इसमें मिल जाएंगे। इसमें भी काफ़ी सारे कलर ऑप्शन थे, बट मैंने पिंक इसलिए बाय करा कि पिंक ऐसा कलर होता है, मोस्टली साड़ी के साथ भी बहुत ज़्यादा आता है एंड सूट्स में भी बहुत ज़्यादा आता है, इसीलिए ये पिंक कलर वाले बाय करे हैं। और काफ़ी अच्छा है बैग भी इनका, काफ़ी अच्छे और हैवी से इयररिंग्स हैं, बहुत ही सुंदर हैं। उसके बाद मैंने ये बाय करे दोस्तों, ये बैंगल्स जो जिसका साइज़ है 2.6, और ये कुंदन वाले हैं। मोस्टली ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलते हैं, बट मुझे अमेजोन में काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल चुके हैं, ये देख सकते हैं आप, तो बहुत ही सुंदर ये बैंगल्स है। 4 का सेट आपको ये मिलेगा, अंदर से आपको ये गोल्ड प्लेटेड मिलेंगे, बाहर से आपको पूरा कुंदन वाला जो कुंदन लगा हुआ है इसमें, और ये देखिए आप, मैं दिखा दूँ आपको, ये देखिए इस तरीके से लगेंगे हाथ में पहनने के बाद, बहुत अच्छे लगने वाले हैं। तो आप इसे डेफिनेटली बाय करिए, क्योंकि ये ना मुझे शॉप में ज़्यादातर नहीं मिलते, और मैं इसे काफ़ी टाइम से ढूंढती थी, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। तो उसके बाद मैंने बाय करी है ऑक्सीडाइज लॉन्ग नेक पीस, ये देख सकते हैं आप इस तरीके का, और इसमें नीचे से पर्ल्स लगे हुए हैं, और इसके इयररिंग्स आपको दिखाऊँ इस तरीके के, चांद बाली टाइप में इसके इयररिंग्स हैं, ये भी बहुत सुंदर है। ये आप साड़ी, कॉटन की साड़ी के साथ एंड कुर्ती वगैरह के साथ आप इसे आराम से वेयर कर सकते हो, बहुत सुंदर नेक पीस है और काफ़ी अच्छा लंबा है। तो जो भी पिक्चर आपको स्क्रीन में नज़र आ रही होगी इनकी, उसके बाद मैंने ये बाय करा है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही क्लासी एक नेक पीस, आप देख सकते हैं बेबी पिंक कलर का ये नेक पीस है, बहुत ही, ये देखिए कितना सुंदर ये नेक पीस है, बहुत सुंदर ये नेक पीस लगने वाला है जब आप इसे बोलोगे, काफ़ी रिच लुक ये देगा आपको। पूरा ये बेबी पिंक कलर के मोती है, उसके बीच में ग्रीन कलर के, और बीच में ये इस तरीके का लंबा सा एक कह
या पेंडेंट सा दिया है उन्होंने, इसके नीचे भी स्टोन है। इसके साथ आपको मिल जाता है एक इयररिंग्स। तो इयररिंग्स मैं देखूँ, मैंने ये देखिए, ये इसके इयररिंग्स है, बहुत सुंदर इयररिंग्स है इसके, ये वाले ये देखिए लग रहे ना, बहुत ही अच्छे इयररिंग्स हैं। और सेम इसी टाइप में इसका मांगटीका भी है। तो इस वाले पीस को तो आप डेफिनेटली बाय करिए, बहुत सुंदर है। अगर आप लहंगा वगैरह कुछ हैवी कैरी कर रहे हैं तो आप इसे जरूर बाय करिए। ये देखिए, ये इसका मांगटीका है, मांगटीका देखिए, एक बार दोबारा दिखा दूं मैं आपको नेक पीस किस तरीके का है। ये देखिए लग रहा है ना, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगने वाला है ये पहनने के बाद। तो उसके बाद है नेक्स्ट ये वाला पीस, ये भी एक नेक पीस है, साड़ी के साथ बहुत सुंदर लगने वाला है। ये भी गोल्ड प्लेटेड है, जिसमें आपको कुंदन मिलेगा और नीचे से आपको मिलेगा इस तरीके के मोती, पूरे झालर वाले। ये देखिए आप, बहुत ही प्यारा पीस है, ये पहन के बहुत सुंदर लग रहा था। और इसके मैं आपको इयररिंग्स दिखाऊँ, ये हैं इसके झुमके, ये देखिए ऊपर से स्क्वायर की शेप में, नीचे डोली, ये देखिए दोनों के इस तरीके के। और इसका मांग टीका मैं आपको शो कराती हूँ, ये है इसका मांग टीका, ये देखिए आप इसे पास से देख लीजिए एक बार। तो इस तरीके का है इसका ये मांग टीका, बहुत ही सुंदर है, प्यारा सा है, छोटा सा है, बट बहुत ही क्यूट है। तो आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आपको मेरा जरूर पसंद आया होगा। तो पसंद आएगा तो प्लीज़ मुझे एक लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कौन सी वाली ज्वेलरी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई। तो अब मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।